वैसे तो इंट्राविट्रल इंजेक्शंस कई हैं, पर अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो रेटिना प्रॉब्लम्स में दिए जाने वाले इंट्राविट्रल इंजेक्शंस के दो प्रकार हैं, एंटी वेजर्स और स्टीरॉइड्स। रेटिना की बीमारियों में मरीज के शरीर में वेजेफ यानी वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर नामक प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। यह प्रोटीन आँख में खून की नलियों को बढ़ावा देते हैं। यह न्यू वेसल्स कमज़ोर होती है और जल्दी फटती है, जिससे आँख में ब्लीडिंग होती है और पर्दे में सूजन बनती है। इसी सूजन को कम करने के लिए और ब्लीडिंग को रोकने के लिए एंटी वेजेफ्स इंजेक्शन बनाए गए हैं। स्टीरॉयड इंजेक्शन भी लगभग इसी तरह काम करते हैं। एंटी वेजेफ्स में कई ऑप्शंस हैं, जैसे कि बिवेसिजुमैब जिसे एवेस्टिन कहते हैं, रानीविजुमैब में भी कई ब्रांड्स हैं जैसे कि एसेंट्रिक्स, राजुमैब और ओसिवा, ऑफ्लिबर्सिब जिसमें आइलिया और जाल्ट्रेप ऑप्शन अवेलेबल हैं, और ब्रोलिसिजुमैब यानी कि पेजनेक्स जो कि एक नया इंजेक्शन है। स्टीरॉइड्स में भी दो ऑप्शंस हैं, जैसे कि ट्रायमसिलोलोन एसिटोनाइड जिसे कैनालॉग या ट्राइकॉट या ऑरोकॉट के रूप में अवेलेबल है, और दूसरा है ओजोडेक्स इंट्राविट्रल इम्प्लांट जो कि एक लॉन्ग एक्टिंग डेक्सामेथासोन इम्प्लांट है। यह इंजेक्शन ना सिर्फ उनकी बनावट में बल्कि उनके कॉस्ट में या फिर उनके ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट में बल्कि उनके उनसे होने वाले साइड इफेक्ट्स में भी काफ़ी अलग है। इसलिए कब और किस मरीज को कौन सा इंजेक्शन देना है और किस इंटरवल पे देना है, यह सिर्फ आपके रेटिना स्पेशलिस्ट ही तय करेंगे। यह ना सिर्फ आपके पर्दे की बीमारी पर बल्कि आपकी डिसीज़ की स्टेजिंग पर और आपके ओसीटी और एंजियोग्राफी फाइंडिंग्स को देखकर आपके रेटिना स्पेशलिस्ट डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा इंजेक्शन सबसे बेस्ट रहेगा।